इसलिए जब कभी पराजित हो जाएं, पराभूत हो जाएं, जब कभी भी को दुख आ जाए, जब कभी भी ऐसा लगे कि अब दुख है, तो उस दुख के मूल में, पराभव के मूल में, अवनति के मूल में कोई परिस्थिति नहीं है, कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, और बहुत साहस के साथ कहता हूं ग्रहों की प्रतिकूलता भी नहीं है। शास्त्र कहता है आपका अज्ञान ही मूल है, आपका अविवेक ही मूल है, आपकी आसक्ति, अहमता, ममता, आपके दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां, व्यसन, आपके भीतर के विकार, आपकी अंध कामनाओं का सैन्य दल, आपके ही भीतर आपका लोभ। हम तो ऐसे हैं ही नहीं, तो चरित्र में भी शिथिलता लोभ के कारण आती है। कभी हार गए हो तो उसके मूल में लालच है आपका, अन्यथा तो योगक्षेम वहन करने के लिए तो ईश्वर की शपथ है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेम तो वहन कर ही रहा है वो, पर अगर कभी ऐसी कोई दुरावस्था है, न्यूनता है, प्रतिकूलता है, दुख है, दारिद्र है, तो उसके मूल में अज्ञान है। अज्ञान की उपज है अवसाद, द्वंद, भय, असुरक्षा की भावना, चिंता। और इसी से अनेक और भी द्वंद पैदा होते हैं। इसलिए जो एक अविद्या है, इस अविद्या के नाश के लिए आप स्वाध्याय करें, ये ध्यान रहे। मृत्यु को परिभाषित करते हुए शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो सही मृत्यु है अथवा जो भयानक मृत्यु है वो देह का मर जाना नहीं है। स्वाध्याय का प्रमाद मृत्यु है, इसे स्वाध्याय में प्रमाद न हो। शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये नियम है, इनका निर्वहन करें।